लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद मल्लिक और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम पोल का पोस्टमार्टम। ये कार्यक्रम आपका है, ये प्लेटफॉर्म आपका है। इसमें हम खबरों से जुड़ा एक सवाल रखते हैं और उस पर आप जवाब देते हैं, प्रतिक्रियाएं देते हैं और हम उन प्रतिक्रियाओं को लेकर आपके सामने पेश होते हैं। आज के पोल का पोस्टमार्टम कार्यक्रम का सवाल था, दिल्ली हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव को लगाई फटकार, कहा लोगों को गुमराह न करें, क्या एलोपैथी पर बाबा रामदेव को बोलना बंद कर देना चाहिए। इस सवाल के जवाब में 83% लोगों ने कहा हाँ, जबकि 17% लोगों का जवाब ना में था। डॉक्टर किरण दीक्षित ने लिखा है, मरीज एलोपैथी को तरजीह देते हैं क्योंकि भागम भाग के जीवन शैली में उन्हें इससे सुविधा होती है। एलोपैथी दवाएं हर जगह मिल जाती हैं, एलोपैथी दवाएं सस्ती होती है, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और वे प्राकृतिक चीजों से बनी होती है। यश गुप्ता ने कहा है, बाबा को बोलना चाहिए, हमारा मनोरंजन होता है। खुशबू परमार लिखती है, जब बाबा सिर होगा तब बाबा ही याद आएंगे। बिंदेश्वर साव ने कहा है, निकम्मे लोग बाबा रामदेव जी के खिलाफ बोल रहे हैं। नाबिल नाजे ने लिखा है, बाबा रामदेव ने कहा है कि बहुत इमरजेंसी होने पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अश्विनी राय ने कहा है, जब से मोदी जी पीएम हुए हैं ये बाबा तो काला धन की बात ही नहीं करता है। वहीं किशन गुरनानी लिखते हैं, बोलने की आजादी तो सिर्फ वामपंथियों और कांग्रेस को ही है। अंधभक्त स्टेवे नाम के यूजर ने लिखा है, बाबा रामदेव और शिल्पा शेट्टी के बीच सिटिंग है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। रमेश जैन ने कहा है, बाबा जी ऐश करो, आपके अच्छे दिन आ रहे हैं। इंडियन फैमिली ब्लॉग नाम के यूजर ने लिखा है, जो डर गए वो घर गए, जिसने हिम्मत रखी वो कुछ कर गए। कल्पेश परमार ने लिखा है, ये तो स्टंट है न्यूज में बने रहने का। राइट टू रिकॉल नाम के यूजर ने लिखा है, बाबा की सलवार की CBI जांच होनी चाहिए। अनीशा लिखती है, पूरा भारत एलोपैथिक पर ही निर्भर है, वरना आयुर्वेद दवा तो मरने के बाद काम करती है। आशुतोष मिश्रा ने लिखा है, ओवर कॉन्फिडेंस में है बाबा रामदेव। हमें इस तरह ही सैकड़ों लोगों ने प्रतिक्रियाएं भेजी हैं, हजारों लोगों ने जवाब दिए हैं। हम सारी प्रतिक्रियाएं शामिल नहीं कर सकते, हमें इसका अफसोस है, पर हम ये कोशिश जरूर करते हैं कि हर तरह के विचार शामिल कर लिए जाए। अब आपको हम बताते हैं कि मामला क्या है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एलोपैथी और COVID-19 के इलाज पर योग गुरु बाबा रामदेव को फटकार लगाते हुए कहा है कि वे जनता को गुमराह न करें। कुछ दिन पहले रामदेव ने कहा था कि कोविड से बचाव के लिए वैक्सीन के साथ योग भी जरूरी है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि कोरोना वैक्सीन की तीनों खुराक लेने के बावजूद वे संक्रमित हो गए। उन्होंने इसे मेडिकल साइंस की विफलता बताया था। इस मामले में विभिन्न डॉक्टरों के संघ द्वारा रामदेव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस पर जस्टिस भंबानी सुनवाई कर रहे थे। अब कोर्ट ने बाबा रामदेव को नसीहत दी है, वे आधिकारिक बातों से ज्यादा बोलकर लोगों को गुमराह न करें। जस्टिस भंबानी ने कहा है कि लोगों के नाम लेकर ऐसी बातें की जा रही हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे संबंध प्रभावित हो सकते हैं। नेताओं का नाम लेकर ऐसे बयान देने से विदेशों के साथ हमारे अच्छे संबंध खराब होंगे। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम पोल का पोस्टमार्टम। ये कार्यक्रम आपका है, ये मंच आपका है और हम आपकी प्रतिक्रियाओं को, आपकी बातों को लेकर आपसे रूबरू होते हैं, आपकी असहमतियों, आपके आलोचनाओं को भी जगह देते हैं, सम्मान देते हैं। तो कल एक बार फिर हम एक नए सवाल के साथ आपके सामने पेश होंगे, आप उससे जरूर जुड़ें और अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें। इंतजार रहेगा। नमस्कार।